हेलो नमस्ते, जय जवाहर संगारी हो। आप देख रहे हैं राज रे ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं आपका राज रे हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। और आज है नौमी चढ़ रहा है, नौमी का आज सातवां दिन है। कल सातवां दिन अंबिकापुर में रैली निकलने वाला है। देख सकते हैं हम लोग गांधी चौक के पास हैं और मेरे साथ है दिनेश भाई, हम लोग जा रहे हैं महामाया मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी मेरे और दो भाई मतलब श्याम भैया और मेरा भाई छोटा आने वाला है अभी, तो उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, वीडियो बन रहेगा इन तक, हम लोग दिखाएंगे अभी महामाया मंदिर कैसा नजारा मतलब कैसा वहाँ भीड़ है अभी। तो अभी देख सकते हैं कभी हम लोग यहाँ पे गांधी चौक के पास हैं और यहाँ पे दिनेश भाई जी हैं, हेलो हाय कर दीजिए हो। और ये श्याम भैया छोटू, चलिए देख सकते हैं हम लोग साइकिल में जा रहे हैं मजे से। और गाड़ी चौक पास पहुँचे हैं, गाड़ी इतना मस्त सजावट किया गया है। कल है आपका रैली, बाहर था हिंदू बस। जय श्री राम। देख सकते हैं यहाँ पे हम भी गन्ना जूस वगैरह पूरा लगा हुआ है और गन्ना जूस भंडारा चल रहा है, जितना पीना है पी सकते हैं। गजब के माया मंदिर पर पहुँच गए हैं और देखिए मेरे भाई लोग भी आए हैं और साथ में इधर बहुत सारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, अपने अपने जो भी कामना है उनको पूर्ण करने के लिए। देख सकते हैं आप लोग जैसे कि एंट्री गेट है इधर, और जो भी नारियल चुनरी अगर लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, बहुत सारा लगा हुआ है, दुकान लगाए हैं। अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, अंदर घुस गए हैं हम लोग दिनेश भाई के साथ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सुबह और ज़्यादा रहे होंगे, बट हम लोग अभी कम भीड़ है। और मतलब कल मेला लगने मतलब वो है भव्य शोभा यात्रा, मतलब 4 बजे से निकलने वाला है, तो आप लोग जरूर आइएगा और भारी भारी संख्या में इस कार्यक्रम को इसको जो कि सब बनाइएगा। श्याम भैया जी हैं लगे हुए हैं, इतना लाइन लगे हुए हैं, श्याम भैया इधर लगे हुए हैं और हम लोग भी और इधर बी एम एड है ना, मजे उधर नरियल फोड़ रहे हैं भैया लोग, हम लोग अभी लाइन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं इधर रोज बाहर से आते जाते चले जाते हैं इधर, नहीं पहले तो पूजा करी थी भीड़े रहे। फाइनली पूजा वूजा कर लिए हैं क्योंकि अंदर जानते हैं कि आप अंदर कब से नहीं चल रहे थे, तो हम लोग दिखा नहीं पाए इधर। हम भैया लोग को भी बांध रहे हैं, सुना रहे हैं रक्षाबंधन धागा। और देखिए यहाँ करना जा रहा है, बहुत ही भक्त लोग आए हुए हैं। मजा आ गया, देख सकते हैं मस्त है। दिनेश भाई फोटो खींच ले। तो गाइस हम लोग पूजा कर लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, और इधर हैं
श्याम भैया जी हम लोग कहीं लाए थे और हम लोग साइकिल से आए हैं और बहुत मज़ा आ गया, आनंद आ गया। इधर हम लोग चप्पल उप्पल है पहन लेते हैं थोड़ा सा और मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, देख सकते हैं इससे बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा, और बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं मतलब मांगने के लिए, देख सकते हैं जैसे कि आप नरी अगरबत्ती यहाँ परचेस कर सकते हैं आप लोग आनंद श्री फल भंडार में, और बहुत सारे इधर ठेला में भी लगाए हुए हैं नरी अगरबत्ती, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हम लोग तो ठेला से ही लिए थे, देख सकते हैं इधर ठेला में लगा हुआ है नरी अगरबत्ती, तो हम लोग उधर लिए थे। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं बाद में हम लोग, क्योंकि पूजा वूजा कर लिए हैं। और एक जानकारी की बात है कि कल यहाँ की बात है, आप लोग कल भव्य शोभा यात्रा निकलेगा कल 28 तारीख को, तो आप लोग जरूर यहाँ आइए और बहुत जनसंख्या है मतलब लोग अच्छे, आप लोग शोभा यात्रा को उत्सव बनाइए। इधर देख सकते हैं श्याम भैया का देख रहे हैं, इधर बुक वुक लगा हुआ है, तो माता रानी के बहुत सारे यहाँ बुक आप लोग को मिल जाएंगे, देखें गायत्री चालीसा अग्रहण और क्या क्या बहुत सारे हैं, मंगल वक्त कर्था प्रवर्तन और बहुत ज़्यादा। विशाल भंडार है, भाई लोग पी रहे हैं, कैसा लगा बे? रिव्यू ले रहा हूँ मैं भी मार लेता हूँ एक आध गिलास। सो गाइस हम लोग अभी लेट से पहुँच गए, भाई ने कपड़ा लिया और शॉपिंग की थी, अभी लाइट छील रहे हैं अभी और भी खाएंगे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा मैं करूँगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय माता दी, और कल आप लोग सभी लोग यात्रा में जब आइएगा, वीडियो यहीं तक करता हूँ।